नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज निगाह प्रिंस के साथ। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति जीटीवी इनक्लेव दिलसाद गार्डन द्वारा स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के डॉक्टरों के सहयोग से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में हड्डियों की जांच, शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG सहित अन्य सामान्य जांच कराई गई। देखें हमारी इस रिपोर्ट में। दिलसाद गार्डन जनता फ्लैट वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति ने इलाके के बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। इस शिविर में स्वामी दयानंद अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने हड्डियों की जांच, शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG सहित अन्य जांचें कराई गईं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से जांच की जा रही है। पूरी तसल्ली के साथ डॉक्टर बुजुर्गों से बात कर उनकी शारीरिक जांच के साथ जरूरत की दवाइयां भी लिख रहे हैं, जो कि पर्चे को दिखाकर स्वामी दयानंद अस्पताल में मुफ्त मिल जाएंगी। स्वास्थ्य जांच शिविर में लगभग 100 से अधिक बुजुर्गों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराकर इस शिविर का लाभ उठाया। समिति के पद अधिकारियों ने इस शिविर के बारे में क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। पिछले महीने से हर महीने के अंतिम रविवार को ये जो है चेकअप करवाना शुरू कर दिया है सीनियर सिटीजन को, जिनका उम्र 60 साल और 60 साल से अब है, उनके लिए व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के द्वारा ये संस्था वो चलाई जा रही है। वो 11 वर्ष पहले ये संस्था जब बनी थी, तब से अब तक हम मेडिकल के कैंप लगाते आए हैं और क्षेत्र की जनता, सीनियर सिटीजन, इवन के और लोग भी बाहर से भी आकर के इसका फ़ायदा उठाते रहे हैं। उसी क्रम में बहुत बड़े गैप के अंतराल के बाद में ये कैंप लगा है, जिसमें जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर, हड्डियों के विशेषज्ञ, ENT के विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन वगैरह आए हुए हैं, जो आज अभी तक के हमारे पास 100 से ऊपर मरीज आ चुके हैं, जो अपना चेकअप करा चुके हैं। और अगर इसमें हमारे रिजल्ट अच्छे रहे तो ये क्रम आगे भी हम जारी रखेंगे। 60 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उन सब के लिए सुविधा है। हमने बाकायदे अनाउंस किया है इसके लिए कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा मेंबर हो, हमारे मेंबर के अतिरिक्त भी कोई सीनियर सिटीजन हो तो वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ 11 साल से अक्सर होता रहता है, कई बार आँखों का, कई बार वैसा, कई बार वो लगे हुए हैं यहाँ पे कैंप। और भी कई सुविधाएं हैं जो यहाँ पे कराई देते हैं यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक है वो हैं, लेकिन मुझे भी ये हर तरीके से हमेशा मुझे स्वागत करते हैं, हर तरीके से मुझे सम्मान देते हैं, बुलाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये एक सुविधा जो दी जा रही है स्वास्थ्य चेकअप की, जो बुजुर्ग हैं दूर नहीं जा सकते, लेकिन उनको उनके दरवाजे पे अगर सुविधा मिल रही है तो इससे बढ़िया और कोई बात मैं नहीं कह सकती, बहुत ही अच्छा है। डॉक्टरों के पास लगी ये भीड़ इस बात का प्रमाण है कि इलाके के बुजुर्गों को इस तरह के शिविरों की काफी आवश्यकता है। हड्डी विभाग के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर KP रवानी ने बताया कि अक्सर इस उम्र में बुजुर्गों के ज्वाइंटों में दर्द की शिकायत रहती है। इस शिविर में भी इसी तरीके के मरीज ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें घुटने का दर्द, कमर में दर्द आदि शिकायतें देखने को मिल रही हैं। हमें खुशी हो रही है कि हम इस बुजुर्ग स्वास्थ्य सेवा कैंप में अपना सहयोग दे रहे हैं। जो बुजुर्गों की परेशानी यहाँ पे मुझे सामने आ रही है, वो कमर दर्द लेके, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, घुटने का दर्द है, यही ज्यादा परेशानियां हैं इनको। बाकी तो जैसे हमारे साथ और भी डॉक्टर्स हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, हमारे एक कोलीग ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो उसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सभी परेशानियां लेके बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। यहाँ से हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, थोड़ी सी यहाँ कमी आ गई है हमारी, हम दवा प्रोक्योर नहीं कर पाए तो यहाँ से नहीं दे पाए हैं, लेकिन जैसा कि हमारे MS का आदेश है तो उससे हम लोग यहाँ से प्रिस्क्राइब कर रहे हैं दवा और कुछ इन्वेस्टिगेशन लिख रहे हैं, जैसे ब्लड शुगर और BP वगैरह की जांच तो यहाँ हो रही है, लेकिन जो नहीं हो पाएगी वो हम लोग जनरल हॉस्पिटल में वो सारी मिल जाएंगी, इनकी दवा भी मिल जाएगी और सारी जो जांचें हम लिख रहे हैं वो जांचें वहाँ हो जाएंगी। ये कैंप जो लगा है, जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, सारे अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जिसमें डॉक्टर रिमानी मेन डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट है हड्डियों का, बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। शायद जितने भी देख रहे हैं सब अपने आप को सेटिस्फाई होकर जा रहे हैं, अच्छी दिखाया है, बहुत पहले भी आए थे और हमारा मतलब है कि दिमाग से ठीक है, लेकिन आप जैसे लोगों ने जो है ना हमको यहाँ पे दिखा दिया है, यहाँ भी ऐसे था, यहाँ भी ऐसे था, चोरी फुडी है यहाँ से। शिविर के आयोजकों की माने तो संस्था महीने के अंतिम रविवार को इस तरह के कैंपों का आयोजन करती है, ताकि समिति से जुड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जा सके। दिनेश सोलंकी के साथ कमल पवार, तेज निगाहें, दिल्ली। तेज निगाहें के दर्शकों से अपील है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अब DJ प्रिंस सोलंकी को इजाजत, नमस्कार।